अंडर 30,000 की रेंज में आपको जो फोन मिल रहे हैं वो 1080 नहीं है, ना वीवो में है ना ओप्पो में, सब 720 का डिस्प्ले है। जब Xiaomi आपको दे सकता है 1080 डिस्प्ले, या Realme दे सकता है, या Infinix दे सकता है, तो Oppo Vivo क्यों नहीं देते भाई? वो क्या आसमान से आए? अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज Danish Soomro एंड वेलकम बैक टू माय चैनल store4u.pk। गाइज ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रांड चूज करने में, और इस वीडियो के बाद शायद ओप्पो और वीवो वाले तो मेरे दुश्मन ही बन जाएंगे कि ये हमारे पीछे ही पड़ गया और हमारी जो है इतनी बुराइयां कर दी इसने। तो मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ कुछ ब्रांड्स के बारे में जो कि आपको चीजें फ्रंट लुक में देती हैं और पीछे कुछ नहीं होता ऐसा। बेसिकली आप पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना के लूट रहे हैं ये समझ लें कुछ ब्रांड्स हमारे यहाँ। तो ये वीडियो में आपको इसलिए बनाई है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ये बहुत यूजफुल वीडियो है और इसके मैं आपको बिल्कुल जो है अपना की मीन्स के अपना सच बताऊंगा इसमें क्या है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा चैनल अभी तक कोई मोनेटाइज नहीं है, ना हमें पेड मिलती है, ना कोई मैं अपने स्टोर को प्रमोट कर रहा हूं, ना कुछ ऐसा है। बेसिकली मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं ये बिजनेस और ये चैनल ये कैसे स्टार्ट हुआ कि मैं बेसिकली प्रोफेशनली टीचर हूं एंड आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर। ये मेरा टेक्नोलॉजी में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, स्टार्ट से लेके टेक्नोलॉजी में बहुत मींस बचपन से अपना एक इंटरेस्ट रहा है टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से ये बिजनेस है, ठीक है। और आज तक ये बिजनेस जो है जितना भी प्रॉफिट हुआ है तो इस बिजनेस में ही हमने यूटिलाइज किया है, मैंने यूटिलाइज किया है, कभी इसको मैंने आज तक पर्सनल यूज नहीं किया। इसको पर्सनल यूज हम तब करेंगे जब हमें कम्प्लीटली मुझे लग जाएगा कि मैंने पाकिस्तान के लोगों को या इन सिटी के लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया है और उनको हम क्वालिटी सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फ्रॉड और चीट होता है और इसमें जो है लोग पेड रिव्यूज पेड प्रोमोशंस इतनी सारी चीजें करते हैं, उनको अगर कुछ मिल जाए तो वो कर देते हैं। बट मैं मेरा एम है कि मेरा चैनल इतना ट्रांसपेरेंट हो कि वो आपको सच बताए और जो हकीकत है वो आपके सामने ले आए। सो स्टार्ट करते हैं यहां से कि हमारे पास जो अभी करंटली ब्रांड है जो कि वेल नोन है, एक बात कर लें सैमसंग, एक साइड में सैमसंग को रख रहा हूं, सैमसंग MI एंड टेक्नो इन्फिनिक्स और रियलमी, ठीक है, ये ब्रांड्स हैं जो कि आपके सामने हैं। और दूसरे साइड में रख रहा हूं ओप्पो और वीवो को, ठीक है। अब ओप्पो और वीवो ऊपर कैसे आया, मैं पहले आपको ओप्पो और वीवो वालों की हिस्ट्री बताता हूं। ओप्पो ऊपर इसलिए आया कि सैमसंग जो है अपनी क्वालिटी को मेंटेन रख रहा था और प्राइस टैग उसका ऊपर था और कॉन्फ़िगरेशन कम थी, जिसकी वजह से ओप्पो ने उसको मार्केट को कैप्चर किया और बेसिकली फीमेल को ज्यादा उन्होंने जो है माइंड में रखते हुए ब्यूटी कैमरा को फोकस रखते हुए लोगों को कैप्चर किया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो मार्केट में सेलर हैं उनको बेनिफिट दिया, मींस के ताकि उनको बेनिफिट मिलेगा तो वो ऑब्वियसली आपको मोटिवेट करेंगे, भाई दुकानदार को जहां प्रॉफिट होता है वो वही ब्रांड सेल करता है, दूसरा ब्रांड सेल नहीं करता। तो इन्होंने एक पॉलिसी सेट की, वो पॉलिसी अभी तक है। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर कोई कराची से स्टॉक लेके यहाँ के सेल नहीं कर सकता, अगर मुझे कराची से सस्ता मिलेगा ओप्पो और मैं यहाँ के बेचूं तो वो जो मेरा सप्लायर है उसको पेनल्टी लगा देंगे। और इस तरह की इन्होंने सिचुएशन बनाई है ताकि जो है यहाँ का मेन सप्लायर और शॉपकीपर जो है उसको बेनिफिट दे, ठीक है। स्टार्ट में उन्होंने अच्छी कॉन्फ़िगरेशन दी, अच्छे लोगों को उन्होंने कैप्चर किया और बहुत किया। फिर आगे चलते हैं, आगे फिर क्या हुआ, जो सैमसंग है, सैमसंग ने देखा कि उनकी जो मार्केट है वो सुपर एमोलेड स्क्रीन दे रहा था, सुपर एमोलेड स्क्रीन थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको कॉन्फ़िगरेशन कम दे रहे थे, स्क्रीन अच्छी दे रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लूं, J3 था उनका, J3 एक सुपर एमोलेड स्क्रीन में 22-23 हज़ार का मिलता था और दूसरे फोन जो है हमें 4 GB रैम में मिल जाते थे इसी रेंज में, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं आगे, सैमसंग ने बहुत ट्राई किया कि वो क्वालिटी को मेंटेन रखे और अपना मार्केट कॉम्पीट नहीं करे, साइड में ये जो यूजर थे। अच्छा उसके बाद हमारे पास हुवावे भी था, हुवावे के साथ प्ले स्टोर था और लोग जो है सैमसंग के बाद फौरन हुवावे के पास आ रहे थे, एंड हुवावे जो
पैसे चार्ज कर रहा था वैसी क्वालिटी और वैसी चीजें दे रहा था और उसमें कम प्राइस टैग में अच्छी चीजें देने की ट्राई थी हुआवे की, ना वो अपना सेलर को प्रमोट करने के चक्कर में था ना कुछ, वो उनका माइंड ये है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ओप्पो या Xiaomi या जितने और ब्रांड्स हैं वो सेलर को नहीं माइंड में रखते, उनको बस ये होता है कि हमारा जो है स्टॉक है वो सेल हो, वो कहीं से भी परचेज हो कहीं से भी सेल हो, लेकिन ओप्पो और वीवो ऐसा नहीं करता। वो क्यों नहीं करता वो मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगा। और ये वीडियो में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर करें, और इसमें अगर मैं कुछ गलत बोल दिया है तो आप जरूर कमेंट करें तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ओप्पो के जगह पर वीवो भी आ गया। इन्होंने पहले तो अच्छी अच्छी डिवाइसेस दी और सस्ती दी, अब क्या कर रहे हैं वो कि वो आपको सिर्फ जो है एक ग्लॉसी लुक दे देते हैं, फैंसी लुक मींस के जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज देखने में इतनी खूबसूरत हो और अंदर से उसमें कुछ नहीं हो, इस तरह का वो काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं ओप्पो की बात करूंगी, उसके साइड लाइन में रियलमी है, Realme में वो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन दे देता है और 40,000 के टैग में दो फोन है, जैसे कि एक F19 है और एक Realme 8 है। F19 में उसने जो है मिड रेंज प्रोसेसर लगाया हुआ है, ठीक है, और अपना जो है 6GB और 128GB दे रहा है। उसी साइड में उसने Realme में 8GB और 128GB दे दिया और जो है गेमिंग प्रोसेसर लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि दोनों का iOS भी सेम है, कलर iOS यूज करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके और आवाम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं ये ब्रांड्स, ओप्पो खास करके, कि Realme जब दे रहे हो भाई उसी प्राइस टैग में तो ओप्पो में भी वही कॉन्फ़िगरेशन दे दो ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो यूजर है ब्रांड यूजर है, अब जो ओप्पो के यूजर है वो Realme उनको सजेस्ट करो तो वो जाना नहीं चाहते, वो डरते हैं कि नहीं भाई हम नया ब्रांड ले हमें समझ में नहीं आएगा ये वो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे आप लोगों ने सैमसंग लेना छोड़ दिया था, अब करंट मार्केट में सैमसंग जो है, करंट मार्केट में सैमसंग ने बीट किया मार्केट को और कम कॉन्फ़िगरेशन में। अब आपको देखें 18,000 में 64GB दे रहा है ना सैमसंग, पहले नहीं दे रहा था, लेकिन उसमें एमोलेड नहीं है, आईपीएस डिस्प्ले दे दिया है, तो वो इसलिए ही दिया है ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके। जब आपके पास मोस्ट सेलिंग ब्रांड अवेलेबल है सैमसंग, तो फिर भी आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि कुछ आवाम जो है वो ओप्पो और वीवो की तरफ जा रहे हैं और अपना उनको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको जो है ना ले, वो आप लें, बट आप थोड़ा अगर इस तरह से स्विचिंग करेंगे ब्रांड्स की तो ब्रांड्स को रियलाइज होगा और वो वर्कआउट करेंगे कि वो आपको ज्यादा प्राइस टैग ना दें तो और वो प्राइस टैग नीचे में आपको वही चीज दे दें, क्योंकि कॉस्ट उनकी इतनी नहीं होती जितना वो आपको बेवकूफ बना के और उतने पैसे ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दूं, अंडर 30,000 की रेंज में आपको जो फोन मिल रहे हैं वो 1080 नहीं है, ना वीवो में है ना ओप्पो में, सब 720 का डिस्प्ले है। जब Xiaomi आपको दे सकता है 1080 डिस्प्ले, या Realme दे सकता है, या Infinix दे सकता है, तो ओप्पो वीवो क्यों नहीं देते भाई? वो क्या आसमान से आए? मुझे सिर्फ आप इतना इस सवाल का जवाब दें, क्या ओप्पो और वीवो आसमान से आए? वो पाकिस्तानी आवाम को क्यों लूट रहे हैं भाई? आप भी इस प्राइस टैग में हमें वो कॉन्फ़िगरेशन दे ना, ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप अपनी आंखें खोलें और अच्छा ब्रांड चूज करें, और ब्रांड स्विचिंग से आपको फायदा होता है और कंपनीज रियलाइज पे आ जाती हैं कि हमारा प्राइस टैग ऊपर है और दूसरी कंपनीज हमें कॉम्पीट कर रही हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये वीवो और ओप्पो ने क्या किया हुआ, एक सर्किल बनाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारा स्टोर अगर हैदराबाद में, तो मैं कराची से स्टॉक बाय नहीं कर सकता। अगर मुझे वहां प्राइस टैग सस्ता मिला, मैंने वहां से बाय करके यहाँ किया, तो इनके कंपनी वाले लोग आते हैं, वो स्टॉक बाय करते हैं और पेनल्टी लगा देते हैं। हमारा काम जो है बेसिकली आपको बेटर प्रोडक्ट देना और लोएस्ट प्राइस के अंदर देना है, जिसपे हम बहुत वर्क करते हैं, और आप बिलीव करें कि आप, मैं जो है मेरे नाम पे आके आप मेरी टीम से भी पूछ लें कि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दिन ब दिन आगे जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, और हम इसमें से प्रॉफिट बिल्कुल भी हम जो है यूटिलाइज कहीं नहीं कर रहे हैं, वो हम अपनी जो है इतना प्रोडक्ट्स और सेल्स भी यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि हम आपको ओरिजिनल बेटर और लोएस्ट प्राइस में बेहतरीन प्रोडक्ट दें। पर इसमें आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, और मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो ब्रांड चूज करते हैं उसमें डरे नहीं,
ब्रांड स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी बात ये पहले सैमसंग नहीं ले रहे थे लोग, वो इसलिए कि एमोलेड स्क्रीन थी, टूटती भी थी तो इतनी महंगी होती थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट वो आईपीएस डिस्प्ले में सैमसंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं ज़ियोमी को भी बता दूं कि ज़ियोमी भी आपको अच्छे फोन्स दे रहा है और बिल्ड क्वालिटी भी बेटर दे रहा है और बेटर कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। अगर आप नेट पे सर्च कर दें टॉप सेलिंग ब्रांड, तो आपको पहले पहले सैमसंग और आईफोन दिख जाएगा और फिर उसके बाद ज़ियोमी दिखता है आपको। बट जो है हमारे पास पाकिस्तान में आप देख लो जो ब्रांड और ओप्पो और वीवो के जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं फॉरेन में, वो कम प्राइस में सेल हो रहे हैं और पाकिस्तान वो ज्यादा प्राइस में सेल हो रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो है इन्होंने जो पॉलिसी सेट की हुई है दुकानदार को बेनिफिट देने के लिए और आपको लूटने के लिए। सो काइंडली जो है अपना थोड़ा प्रोडक्ट लेने से पहले थोड़ा देख लें। अगर आपको ओप्पो लेना है तो आप रियलमी भी ले सकते हैं, रियलमी भी इनका ही ब्रांड है, तो आप कॉन्फिगरेशन अच्छी लेना, ब्रांड को क्या करेंगे मुझे ये बताएं। आपको अगर 8GB मिल रही है और अपना जो है वही कैमरा मिल रहा है, वही iOS मिल रहा है, iOS मींस की ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उसका मेन्यू वगैरह वो सेम है उसमें, तो मेरे हिसाब से ये स्विचिंग जो है, ये स्विचिंग आपको बेनिफिट देगी, ना मुझे देगी ना दूसरों को देगी, ये पूरे कंट्री को बेनिफिट देगी। कंपनी जो है मजबूर हो जाएगी आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट देने के लिए। सो गाइज थैंक यू सो मच। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अनबॉक्स गेमिंग टेस्ट देने जाएंगे आपको, और गेमिंग टेस्ट हम देंगे ROG 5 का, और इसका हम आपको गेमिंग टेस्ट देंगे। ROG 5 जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है एसुस वालों का, जो कि गेमिंग फोन्स बनाता है, और ये फोन जो है इसकी जो क्वालिटी है और बिल्ड क्वालिटी है बड़ी बेहतरीन है। ये मेरी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं प्राइस अपना चैनल में। और दूसरा ये कि हम गिव अवे का भी एक वॉचेस का हम बना रहे हैं वीडियो, वो स्क्रिप्ट रेडी है इंशाल्लाह ताला, वो जल्दी बनाएंगे, उसमें गिव अवे भी देंगे आपको वॉचेस। और इस बार जो है स्कूल थोड़े ज्यादा एक्सटेंड हो गए तो थोड़ा बिजी हूँ उसमें, तो जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तो और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज और टेक, मेरा वादा है आपसे कि मैं आप लोगों को टैग एक्सपर्ट कर दूंगा और मेरे चैनल से आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप लोग जो है सस्ते और अच्छे गैजेट्स परचेज करने जैसे हो जाएंगे और आपको मार्केट में कोई चीट नहीं कर सकेगा, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, खुद क्यों मेरे स्टोर वाले खुद क्यों ना हो। तो ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आपको बेनिफिट दें। सो थैंक सो मच, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरा आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।